कौन हार का पक्ष सही सलामत है। क्या हुआ रुचिता? नेहा जी वो हार नहीं है। क्या? अरे अच्छे से चेक करो, वहीं कहीं होगा। नहीं नेहा जी, मैंने देखा वो जरूर चोरी करके वो चोर ले गया, और ये घड़ी भी उसी से गिरा है। इससे पहले वो भाग जाए नेहा जी, हमें उसे पकड़ना होगा। हाँ चल जल्दी चलिए। वॉचमैन, 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 जल्दी से गेट बंद करो, घर में चोर है। मैंने गेट बंद कर दिया है, वहां से कोई नहीं जा पाएगा बाहर। हाँ ठीक है। रुचिता, वहां कोई भी नहीं है। क्या? पर चोर कहाँ गया? रुचिता, निहार, क्या हुआ? क्या? वो बेशकीमती हार चोरी हो गया? जी पापा। कार चोर को ढूंढ रहे हैं, बट शायद वो हार हाथ से निकल गया। कर दी तुमने रुचिता, तुम्हारे पापा जी ने इतने भरोसे के साथ तुम्हें वो हार दिया था और तुम उसे संभाल भी नहीं पाई। लेकिन घर में चोर घुसा कैसे? माँ, अगर पापा ने आपको ये जिम्मेदारी दी होती ना, तो फिर आज नौबत नहीं होती। बहुत विश्वास था ना आपको कल की आई इस लड़की पर? इसके आगे आपको आपकी पत्नी, घर की बड़ी बहू, सब गैर जिम्मेदार लगते हैं। देख लिया, इतना अधिक विश्वास करने का नतीजा। बेटा वो हार की कीमत बहुत ज्यादा है, कल मुझे वो क्लाइंट्स को देना है, मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? I'm sorry पापा जी, मैं खुद हैरान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो चोर सिर्फ मेरे ही कमरे में क्यों आया। अरे भनक लग गई होगी उसको कहीं से, तो आ गया। अपनी अलमारी की चाबी तो सही से संभाल कर रख नहीं पाती है, घर की जिम्मेदारी क्या संभालेगी ये लड़की? नहीं माँ, अभी मेरे पास ही थी। क्या? तो क्या तुम इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि तुमने ताला टूटने की आवाज भी नहीं सुनी? माँ, ताला नहीं टूटा था। क्या क्या बोलना क्या चाह रही हो तुम? साफ साफ क्यों नहीं कह रही हो? जब तुम सोकर उठी थी तब क्या देखा था तुमने? अलमारी में ताला लगा हुआ था या अलमारी का ताला टूटा हुआ था? अलमारी का ताला टूटा हुआ नहीं था, लेकिन हार अंदर से चोरी हो चुका था। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या क्या बकवास क्या कर रही हो तुम? मतलब कोई कमरे में आया, उसने अलमारी में से वो हार निकाला, फिर उस अलमारी को बंद किया और फिर वो चोर चोरी करके चला गया, ये कहना चाहती हो तुम? और सबसे बड़ी बात, जब तुम कह रही हो कि अलमारी की चाबी तुम्हारे पास थी, तो फिर अलमारी कैसे खुल सकती है? कैसे खुल सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हार तुम्हें बहुत पसंद आ गया हो और तुमने खुद ही वो हार चुरा लिया हो? क्या? नहीं, मतलब हो सकता है। माँ ये क्या बोल रही हैं आप? देखो रुचिता, ये जो तुम्हारी गोल 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 बातें हैं, इससे यही लग रहा है कि या तो वो हार तुमने कहीं छिपा दिया है या फिर पैसों के लिए बेच दिया है। रुचिता ऐसा क्यों करेगी, क्यों बेचेगी वो हार? जो सब कुछ मेरा है वो रुचिता का भी तो है। माँ, भाई सही कह रहे हैं। रुचिता भाभी को पैसों की जरूरत नहीं होगी, हो सकता है उनके मायके में जरूरत हो और उनकी मदद के लिए भाभी ने ऐसा किया हो। लेकिन माँ ये सब किसी को कहना मत, कहीं बिना बात के झगड़ा हो जाए घर पे। प्रीति, तू अभी बहुत छोटी है, औरतों के त्रिया चरित्र तुझे नहीं समझ में आएंगे, इससे तुम मैंने पढ़ती हो। हाँ निहार,
यार इसे जरूरत नहीं होगी, लेकिन हो सकता है इसके मायके वालों को पैसों की जरूरत हो और यहाँ से पैसे लेकर ये वहाँ दे रही हो। माँ ऐसा कुछ नहीं है, पैसों की जरूरत ना मुझे और ना ही मेरे माँ बाप को। मेरे पापा इतना कमा लेते हैं माँ कि वो अपना परिवार चला सके, उन्हें मेरे सहारे की कोई जरूरत नहीं है माँ। वाह क्या बात है, मायके वालों के लिए जरा सा कुछ कह दिया तो देखो किस किस कैची की तरह जबान चलने लगी है। लेकिन जो सच है वो तो सामने आकर रहेगा, और जब तक सच सामने नहीं आ जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगी। आप सब चलिए मेरे साथ। मॉम, अरे मॉम ये क्या कर रही हैं आप? आइए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मॉम ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या कर रही हैं आप? मॉम रुक जाइए, ये सब क्या कर रहे हो आप? हो ना हो ये चोरी इसी लड़की ने की है। मॉम ये मैं कह रही हूँ, या तो पैसे या फिर वो हार, यही मिलेगा। ये जो छोटे घर की लड़कियां होती है ना, ऐसी चालें चलना खूब जानती है। मॉम रुचिता के बारे में आप ऐसा सोच भी कैसे सकती? तू जानता नहीं है बेटा, ये जो भोली से दिखने वाली लड़की है ना, ये इतनी भोली भी नहीं है। ये घर की जिम्मेदारी के बहाने घर को हड़पना चाहती है। कल माँ के मन में जो चिंगारी लगाई थी मैंने, आज उसकी भड़क उठी है। मैं होने नहीं दूंगी। देख लिया ना आपने सारा सामान, कुछ मिला आपको? नहीं मिला ना, क्योंकि रुचिता ऐसी नहीं है। बेटा तू समझ नहीं रहा है, हो सकता है, बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि इसने जरूर वो हार या फिर वो पैसे अपने मायके भिजवा दिए होंगे, इसलिए यहाँ नहीं मिल रहा है। माँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए। सही कह रहे हो बेटा। पूनम आप रुचिता पर ऐसे बेकार के इल्जाम लगाना बंद कीजिए। नरेश सही कह रहा है। निहार बेटा पुलिस कंप्लेन कर दो। जी पापा। पापा आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं क्लाइंट से बात करूंगा और उनसे थोड़ा और वक्त मांगूंगा। रुचिता माम की बात का बुरा लगा ना? बुरा तो लगा ही नहीं हाँ जी, लेकिन माँ की डांट से ज्यादा पापा जी के विश्वास टूटने का बुरा लगा मुझे। रुचिता तुम फिक्र मत करो, पुलिस वो हार जरूर ढूंढ लेगी। इससे पहले कि पुलिस आए मैं कमरे से हार को निकालकर चोर बाजार में बेच के आ जाती हूँ। ये सब क्या हो रहा है? ये वो दादी जी ने कहा था गमले पेंट करवाने, वही करवा रही थी। इतनी सुबह सुबह? मतलब अच्छा है ना कि सुबह सुबह सारा काम खत्म हो जाए। वैसे गमले कितने सुंदर लग रहे हैं ना। ये सब तो वापस एक जैसे हो गए, अब कैसे पता करूं हार वाला गमला कौन सा था? मिल गया। वैसे प्रीति तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ, तुम्हें भी गार्डनिंग का शौक है क्या? हाँ भाभी थोड़ा बहुत। अच्छा भाभी मुझे ना एक काम याद आ गया, मैं बस वो खत्म करके आती हूँ, ठीक है? मेरा सोच सोच के दिमाग फटा जा रहा है। इतनी सावधानी बरती, चाबियाँ हमेशा अपने पास रखी, फिर भी हार चोरी कैसे हो गई? दीदी जी ये सारा गमला गीला पड़ा है, इसको बाद में लेके जाएंगे, नहीं तो हाथ का छाप पड़ सकता है। अभी मैं उधर कर लेता हूँ।
ये सारा गमला गीला पड़ा, इसको बाद में लेके जाएंगे, नहीं तो हाथ का छाप पड़ सकता है। छाप? कहीं उस चाबी की छाप तो नहीं ले ली किसी ने? ये तो किसी गुलाब के साबुन की तरह महक रहा है। मतलब किसी ने चाबी का छापा लिया, पर किसने, कौन कर सकता है ऐसा? जब तक रुचिता गार्डन में है तब तक मैं साबुन के छापे को मिटा देती हूँ, ताकि किसी को पता ना चले इन सब के पीछे मेरा हाथ है। रुचिता, तुम अपनी बेगुनाही कभी साबित नहीं कर पाओगे। साबुन का छापा है, इसका मतलब किसी घर वाले का ही हाथ है इसमें, क्योंकि चाबी तो पूरे टाइम मेरे पास ही थी, मैंने निकाला ही नहीं चाबी। आखिरी बार मैंने उस चोर की परछाई दरवाजे पे देखी थी, और गार्ड ने गेट बंद कर दिया था, तो वो बाहर नहीं गया होगा। हो ना हो, चोर ने वो हार यहीं कहीं छुपाया। ये तो उस हार का नगे, इसका मतलब हार यही कहीं छुपाया है उसने। कहाँ छिप? इस गमले में ये निशान थी, और बाकी सारे गमलों में तो नहीं है। कहीं इसी गमले में तो तुम्हें हमारे घर के गमले में से मिला? जी पापा जी, गमला मुझसे गलती से टूट गया था, और फिर उसमें ये हार निकला। रुचिता, जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उतना तजुर्बा है हमारा। चोर चोरी करके चोरी का सामान घर में ही क्यों छुपाएगा? नहीं माँ, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ, ये हार गमले में ही मिला है। बस ऐसा हो भी सकता है, अगर चोर कोई घर का ही सदस्य हो तो फिर वो सामान छुपाने के लिए घर से बाहर कहाँ जाए, घर में ही तो छुपाएगा ना। और तुम रुचिता, अब ये नाटक बंद करो, अब सबके सामने इस बात को स्वीकार करो, क्योंकि मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ ली, इसीलिए तुमने इस हार को छुपाया और वापस आकर हमें यही हार दिखाया। मॉम प्लीज, हार मिल गया तो प्लीज बात बढ़ाइए मॉम। मैं बात बढ़ा नहीं रही हूँ निहार, बल्कि जता रही हूँ, आज इस लड़की ने हार चुराने की कोशिश की, कल न जाने घर से क्या चुरा ले। ये लड़की विश्वास के लायक ही नहीं है। माँ मेरा यकीन कीजिए, मैंने हार नहीं चुराया है, बल्कि ये बात तो तय है कि ये हार चुराने वाला इस घर में से ही कोई है।
हाँ निहार जी। लो सुन लो बात, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, ये लड़की खुद हार चुरा कर उसका इल्जाम हम सब पर लगा रही है। चलो ये भी करके देख लेते हैं। रितु, ये हार तुमने चुराया था? माँ जी गौर से देखिए इस हार को, कहीं आपने तो नहीं छिपाया था घर में कहीं से? क्या बोल रही है पूनम, इस घर को संवारने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है, अब बुढ़ापे में मैं अपने ही घर में चोरी करूंगी? आप बताओ रुचिता, किससे पूछना है इस हार के बारे में, तुम्हारे पापा जी से, तुम्हारे पति से, या फिर तुम्हारे जेठ से? भाभी कहीं आपका शक मुझ पर तो नहीं? नहीं प्रीति, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रीति मेरी बेटी है, ऐसी ओछी हरकत ये हरगिज नहीं कर सकती। मेरे लिए मेरा विश्वास ही मेरी जिंदगी, माँ जो विश्वास मैंने खोया है उसे मैं हासिल करके रहूंगी। आज मैंने ये हार ढूंढा है, उस चोर को भी मैं ढूंढ कर रहूंगी। ये गुलाब की महक वाली साबुन कौन यूज करता है इस घर में? महाराज मेरी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए, कैसे पकड़ो उस चोर को। सॉरी भाभी, वो हवा की वजह से कचरा उड़ के आ गया। कोई बात नहीं मीनू, इट्स ओके। एक सेकेंड रुको। जी भाभी, वही रंग, वही महक, ये रैपर कहां से मिला आपको? प्रीति के कमरे से मिला। इसका मतलब इस चाबी की छाप प्रीति ने ली है। चोरी प्रीति ने। अभी जाके देखती हूं, मुझे सच का पता लगाना ही पड़ेगा। कहां रखा होगा प्रीति ने, कहीं वॉशरूम में तो? भाभी, प्रीति नहीं है अभी इस कमरे में, अभी सही मौका है, जल्दी से देख लेती हूँ। रखा होगा प्रीति ने, कहीं वॉशरूम में तो? भाभी, भाभी आप यहां कैसे? कुछ काम था? हाँ प्रीति, वो काम था,
वो मेरा चेहरा थोड़ा चिपचिपा हो गया था तो इसलिए, और मेरे वॉशरूम का ना नल खराब हो गया था तो मैंने सोचा तुम्हारे वॉशरूम में आकर के चेहरा धो लूं। सॉरी मैं तुमसे बिना पूछे आ गई। अरे भाभी वो आज ना मेरे वॉशरूम के नल में भी थोड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा तो मैं देख लेती हूँ ना, प्लम्बर को बुला लूंगी। अरे भाभी आप रुकिए ना, मैं देखती हूँ। नहीं प्रीति मैं देख लूंगी, इट्स ओके। हाँ अरे भाभी वो ना वॉशरूम थोड़ा गंदा है, पहले मैं साफ कर लेती हूँ फिर आप चले जाना। लेकिन इट्स ओके मैं। कहीं वो ये वही वाला साबुन तो नहीं है? क्या करूं मैं, कैसे पूछूं प्रीति से, कैसे पता लगाऊं? बुक प्रीति ने तो कहा था वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, फिर इतनी मोटी बुक उसके पास क्या कर रही है? तो छुपा लिया लेकिन भाभी को मुझ पर शक कैसे हुआ? साबुन तो नहीं मिला लेकिन उस छापे से बनी चाबी तो यहीं कहीं होगी। भाभी की कोई आवाज क्यों नहीं आ रही, कहीं वो चली तो नहीं गई? प्रीति और कितना टाइम लगेगा? भाभी बस हो गया एक सेकेंड। कहीं इसमें प्रीति ने तो कहा था वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, फिर इतनी मोटी बुक उसके पास क्या कर रही है? भाभी नल ठीक हो गया, वॉशरूम यूज कर लीजिए। प्रीति तुम्हें वॉशरूम में इतना टाइम क्यों लगा? वॉशरूम थोड़ा गंदा था ना इसलिए। ये बात थी या कुछ और? भाभी आप कहना क्या, भाभी नल ठीक हो गया, वॉशरूम यूज कर लीजिए। प्रीति तुम्हें वॉशरूम में इतना टाइम क्यों लगा? वॉशरूम थोड़ा गंदा था ना इसलिए। ये बात थी या कुछ और? भाभी आप कहना क्या,